वोटर लिस्ट के गड़बड़ी को लेकर मालेगांव शहर के पूर्व विधायक शेख आसिफ रशीद साहब ने अपनी बातें रखी थी। इसी के जवाब में मुस्तकीम डिग्निटी साहब और मालेगांव शहर के एमएलए ने आज अपनी बातें रखी है। मुस्तकीम डिग्निटी ने तो ये बात साफ कही है कि शेख आसिफ साहब इस मामले को उठाकर कहीं ना कहीं फिरका परस्तों को ताकत दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर मुस्तकीम डिग्निटी साहब और मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने क्या बातें रखी आप ज़रूर देखिए। इंतखाबात होते हैं और ये जम्हूरियत का एक बड़ा हिस्सा है और इंतखाब जब होता है तो उसमें किसी की शिकस्त होती है, किसी की जीत होती है। उन लोगों को जो मुकाबले में इंतखाब में हिस्सा लेते हैं, अगर उन्हें जीत की आस और उम्मीद होती है तो हार बर्दाश्त करने का सदमा झेलने की ताकत भी रहनी चाहिए, और अगर हार बर्दाश्त ना हो तो फिर इंतखाबात में या मुकाबले के अंदर आदमी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मालेगांव की जो सूरत हाल है, मालेगांव में भी इंतखाब हुआ, पूरे महाराष्ट्र में इंतखाब हुआ, और मालेगांव की आवाम को वोट देने के लिए जो तरगीब मालेगांव की तमाम मजहबी और मिल्ली तंजीमों ने तहरीक दी थी, मालेगांव की आवाम ने NRC के पेश नज़र जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे, जो लोग वोट देने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, उन लोगों को इस बात की तमाम मजहबी मिल्ली तंजीमों ने तहरीक दी कि तुम्हें वोट देना चाहिए। तो जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे उन्होंने नाम बढ़वाए, और जो लोग वोट नहीं देते थे उन लोगों ने वोट देने का एहतमाम किया। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में वोटर घरों से निकले और वो अपनी हिंदुस्तानी शहरियत बचाने के लिए और मुल्क को, शहर को एक अच्छा नुमाइंदा देने के लिए उन्होंने भरपूर मेहनत की। यही वजह है कि 1,17,000-18,000 वोटें मुझे मिली और तकरीबन 84,000 वोटें शेख आसिफ साहब को मिली, और भी जो उम्मीदवार थे सबको वोटें मिली हैं। मेरा कहना ये है कि आज ये सूरत हाल गुज़र जाने के बाद जो नई पैदा की जा रही है कि मालेगांव के अंदर मौजूदा इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद जो 32,000 वोटों का इजाफा हुआ है, उसके ताल्लुक से हारे हुए हमारे शहर के नुमाइंदे का ये कहना कि ये बोगस वोटें हैं, पूरे मालेगांव की शहरियों पर शहरियत के लिए और वोटर लिस्ट पर एक सवालिया निशान है, और पूरे मुल्क के फिरका परस्तों को ये पैगाम देना है कि मालेगांव ही नहीं, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके पास जो सरकारी कागजात हैं वो बोगस हो सकते हैं, और फिरका परस्तों को और ब्यूरोक्रेट से जो सरकार में काम करने के लिए आफिसरान हैं उन्हें इस बात पर उकसाया जा रहा है कि मुसलमानों के सरकारी कागजात को लेकर के मुसलमानों को हरासा और परेशान किया जाए, और इस तरह की सूरत हाल मालेगांव के साथ साथ पूरे मुल्क में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मालेगांव में माजी में भी लोगों ने असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन हारने के बाद उन लोगों की तरफ से इस तरह की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं थी, लेकिन शेख आसिफ साहब जब से हारे हैं उस वक्त से लेकर के आज तक पूरे शहर के उन तमाम वोटरों के साथ जिन्होंने वोट दी थी, या वो लोग जो इस मुल्क के, इस शहर के शहरी हैं, उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया था, उन तमाम लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस्माइल कासमी साहब 32,000 बोगस वोटों वोट बढ़ाने की वजह से चुन कर आए, इस तरह के इल्ज़ाम लगाने का जवाब देना हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि ये बात का फिरका परस्त बड़ी शिद्दत से फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए हमने इस बात का जवाब देना सही समझा। जो चुन के आया आज़ादी के बाद 1952 से लेकर आज तक, वो हारा भी है, ये हमारे इन तमाम लीडरों में ये एक मुश्तरका बात थी, मगर इस मर्तबा जो किया जा रहा है ऐसा इससे पहले सिर्फ एक मर्तबा किया गया, वो भी इतनी शिद्दत नहीं थी उनके वालिद के टाइम, जब शेख रशीद साहब हारे 2009 में मुफ्ती साहब के टाइम, तो पर्सनली उन्होंने, उनके लोगों ने कहीं पर भीम पे रेजर चला दी, इस तरह की कुछ वक्त तक वो ऐसी हरकत हुई, उसके अलावा ना मुफ्ती साहब के हारने पे कभी ऐसा हुआ। साथ ही निहाल अहमद साहब महाराष्ट्र में आज भी 6 मरतबा चुन के आने वाले वाहिद मुस्लिम लीडर हैं, वो भी कई मरतबा हारे,
आयशा हकीम साहिबा जो निहाल साहब को शिकस्त दी थी, एक वक्त ये था कि उनकी जमानत जब्त हुई और वो 3 नंबर पर चली गई, मगर मालेगांव शहर से किसी ने बदला लेना नहीं समझा। और हारना और जीतना ये जमहूरियत में सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि अवाम ही सबसे बड़ी है, अवाम ही 1 नंबर पे है, लीडर 1 नंबर नहीं है। अवाम जब चाहेंगी जिता देंगी, अवाम जब चाहेंगी हराएंगी, और यही जमहूरियत का सबसे खूबसूरत पहलू है जिसे सब लीडरों ने मालेगांव शहर में कबूल किया सिवाय आसिफ शेख के। वो मालेगांव शहर से बदला लेने की जो उनकी भावना है या इच्छा है वो ख़त्म ही नहीं हो रही।